वेलकम दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों, क्या नोटरी पब्लिक से शादी कर सकते हैं, वैलिड है या नहीं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन इसे प्रेस कर लें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कॉल करके कि क्या सर नोटरी पब्लिक से शादी कर सकते हैं, वैलिड है क्या नहीं है, क्या पुलिस हमें पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, सारी चीजें पूछते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी चीज बताऊंगा कि क्या वैलिड है क्या नहीं है या सही नहीं है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के गुमराह हो, किसी भी व्यक्ति के कहने पर आप किसी भी चीज को ना माने, जब तक आप हकीकत नहीं जाने उसके बारे में वो चीज आपको करनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। कभी भी अगर आपको शादी करनी है तो आप कोर्ट मैरिज करिए, रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करें, ये सारी चीजें आपको करें। लेकिन व्यूवर्स बार बार पूछते हैं सरल चीज क्या है, इसके अलावा और कोई सरल चीज है? तो बहुत सारे व्यक्ति चुंगल में फंस जाते हैं, नोटरी पब्लिक से शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों नोटरी पब्लिक से आप जो शादी करते हैं वो केवल यह हद तक ये सही है कि आपने इस लड़की से शादी की है, उसके तहत आप मेरिज सर्टिफिकेट बना सकते हो। लेकिन जब कोई उलझने आपके ऊपर आती है, मान लो आपने नोटरी पब्लिक से 500 रुपये के स्टाम्प पर शादी कर ली, दो एविडेंस ले ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन जब लड़की ही आपके खिलाफ हो जाती है, जब लड़की आपके खिलाफ हो जाती है तो आपकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। आपकी मुश्किलें बढ़ जाएगी, आपकी मुश्किलें बढ़ेगी तो वो आपका जो शादी का जो एग्रीमेंट है वो आपको झूठा साबित कर सकता है। क्योंकि वो लड़की ये कहेगी कि ये मेरे को बला पुसला कर कागजों पे साइन कराया है, इन्होंने हमें ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, ये सारी चीज आती है। दो एविडेंस लो, वो आपको बचाने के तरीके हो सकते हैं। दो एविडेंस के सामने ये हो सकता है कि हमने इसको बार बार कहा, आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जब तो आप बच सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं तो लीगल तरीका बताता हूँ, जेन्युइन जो कंटेंट है वही बताता हूँ, जेन्युइन जो तरीका है लीगल वही बताता हूँ, इसके अलावा और नहीं बता सकता। मैं ये राय नहीं देता कि आप नोटरी पब्लिक से शादी करो। दोस्तों आपको अगर शादी करनी है, जिंदगी बसानी है, वैलिड शादी करनी है तो कोर्ट मैरिज करें। अगर आपकी कोर्ट मैरिज होने के बाद आपकी पत्नी या वो लड़की आप पे आरोप लगाए, वो भी आरोप आप पे नहीं लगेंगे, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जो नोटरी पब्लिक से आप शादी करते हो, एग्रीमेंट करते हो, उस पर अंगुली उठा सकती है लड़की। लड़की ये कह सकती है कि ये व्यक्ति धोखे में रखकर मेरे साथ ऐसा किया है, धोखे में रखकर ये एग्रीमेंट कराया, ये शादी का ये स्टाम्प कराया। जब ये सारी चीजें जब होती है, जब पुलिस केस होते हैं। लेकिन आपको बचाव का तरीका तो है, ये एग्रीमेंट भी आपके बचाव का तरीका है, दो एविडेंस रखना चाहिए वो भी बचाव का तरीका है। क्योंकि आपको पुलिस को भी है लगे तफ्तीश में कि इस व्यक्ति के साथ ये लड़की गलत कर रही है, आप तो बचाव का एक ही आपका तरीका हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब तक कुछ होता नहीं है तो कुछ एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ की जरूरत नहीं है। लेकिन जब होने जाता है, जब होता है, जब आपकी मुश्किलें बढ़ती है, आपके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज हो जाती है, तो आप बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा तो सुझाव यह है कि आप कभी भी हमसे संपर्क करें, हम लीगली तौर पर कोर्ट मैरिज कराते हैं, लीगली तौर पर ही आपको कोर्ट मैरिज करना चाहिए। इसी प्रकार के जांच, किसी भी प्रकार के जांच से भी नहीं फंसना चाहिए। और मैं कभी भी यह भी नहीं कहता कि नोटरी से गलत है, लेकिन नोटरी की जो शादी है वो कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। नोटरी की जो के तहत आपने शादी की है, वो एग्रीमेंट किया, केवल आपके बचाव का ये वो ऑप्शन हो सकता है कि मैंने इस लड़की कहने के साथ ये शादी की है। उसके साथ साथ आप उसकी वीडियो को कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि कहीं वो लड़की है तो नहीं कहीं मुझे दबाव में ले गए, सारी चीज़ें उसको बताना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों कभी भी नोटरी पब्लिक पर विश्वास, शादी पर विश्वास ना करें, कोर्ट मैरिज ही एक सबसे बेस्ट उपाय है। इसलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।